कंपनियों में जो प्रोग्रामर रहते हैं उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट पासवर्ड रहते हैं, तो अगर भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाए तो वो पासवर्ड अगले किसी बंदे के पास चले जाने चाहिए। तो इसके लिए वो एक किल स्विच करके ऐप का प्रयोग करते हैं, जिसमें हफ्ते तक लॉग इन नहीं किया तो मान लिया जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं है और पासवर्ड अगले बंदे को मेल हो जाते हैं। तो एक प्रोग्रामर के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने कहा कि भाई अगर पासवर्ड के साथ साथ क्यों ना जिन लोगों को मैंने प्यार किया लेकिन बता नहीं पाया, या जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें बोल नहीं पाया, क्यों ना वो ईमेल भी ऑटोमेटिकली चली जाए कि भाई जेनी मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार था और चोपड़ा जी आप बड़े ख़राब बॉस थे, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो इसी तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। तो एक प्रोग्रामर ने सोचा कि भाई मेरे मरने के बाद सबको तो इत्तिला होती नहीं ना कि हम मर गए हैं, तो जो लोग ईमेल कर रहे हैं, अपनी शादी का निमंत्रण भेज रहे हैं, बच्चे के बर्थडे पार्टी पे बुला रहे हैं, क्यों ना उन्हें भी ईमेल चली जाए कि देखिए मैं नहीं आ सकता, मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ इस समय। तो एक प्रोग्रामर को लगा कि ठीक है, ईमेल तो गए ज़माने की बात है, क्यों ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हम कुछ फोटोएँ छोड़ जाएँ जो धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी और हमारी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है वो कायम रहेगी कि देखिए मैं फलानी वेकेशन पे हूँ, मैंने ये गाड़ी खरीदी है, मेरे बच्चे खुश हैं, ये सब चलता रहेगा। तो एक प्रोग्रामर के दिमाग में आया कि यार क्यों ना ऐसा भी करें कि हम फोटो तो अपलोड कर रहे हैं, जो दोस्त यार फोटो अपलोड कर रहे हैं हम उन्हें लाइक भी करते रहें, कुछ AI का प्रयोग करते हुए कमेंट भी करते रहें। तो इस तरह यह ऑनलाइन सारा सिलसिला चलने लगा लोगों के मरने के बाद भी। एक दिन कोई भयानक महामारी फैली, कोरोना जैसी ही शायद, और सारी जनता ख़त्म हो गई, पर फिर भी ईमेल आती रही, जाती रही, फेसबुक पे फोटोएं अपलोड होती रहीं, इंस्टाग्राम पे फोटोएं लाइक होती रहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो दुखद बात है ना, वो ये है कि सोशल मीडिया हमारे मरने के बाद भी ज्यों का त्यों चलता रहा, जैसा कि आज हमारे जीते जी चल रहा है। तो आइए इसको बदलते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा इस्तेमाल होना बंद करते हैं और इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इस्तेमाल करते हैं इसको प्रजातंत्र को ज़मीनी तौर पे लागू करने के लिए। देखिए गांधी जी ने कहा था बी द चेंज, पर ये काफ़ी नहीं है, आप अपने में बदलाव लाइए पर औरों को भी बदलने के लिए प्रेरणा दीजिए। अब पहले लोगों तक पहुँचने का एक माध्यम होता था TV, जिस पर नेता अभिनेता या करोड़पति लोग आके अपना मत रखते थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम में से हर कोई और लोगों तक अपना मत पहुंचा सकता है। देखिए चाहे हमारा दायरा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस दायरे में हम में से हर कोई एक इन्फ्लुएंसर है। चाहे आप जानवरों के प्रति लगाव रखते हैं, या आप लड़कियों की मदद करना चाहते हैं, आप बूढ़ों की मदद करना चाहते हैं, या आपका मुद्दा गरीबी है या एजुकेशन है, जो भी आपका मुद्दा है आप उस बारे में लिखिए, आप उस बारे में वीडियो बनाइए और सब लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाइए।